हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें जो काफ़ी महिलाएं और लड़कियां इग्नोर कर देती है जब उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और नीचे की साइड पे टाके आते हैं। तो इन बातों को इग्नोर करने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि टाके खुल जाते हैं, टाकों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हीलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और नीचे की साइड पे टाके आए हैं, जो कि 97% केसेस में होता ही होता है आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आई एम श्योर कि जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बाद का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जाएगा और आप बहुत बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्रॉस लेग ना बैठें, यानी कि आलती पालती मरकर नहीं बैठना है। क्या होता है कि जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नीचे की साइड पे टाके आते हैं, और अगर हम क्रॉस लेग करके बैठेंगे, आलती पालती मर के बैठेंगे, तो उन टाकों के ढीले होने का या टूटने का डर बन जाता है, और कई केसेस में ये टाके टूट भी जाते हैं। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि मेरे टाके टूट गए, मैं क्या करूँ, 2 बार लगाए, 3 बार लगाए, बार बार टूट जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है कि टाके इसलिए टूटते हैं क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्रॉस लेग करके बैठती हैं, आलती पालती मार के बैठती हैं। इस चीज़ का आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो ये जो प्रिकॉशन है आपको डॉक्टर भी बताएगा, आपको इस प्रिकॉशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक आपको प्रिकॉशन लेने की चीज़ है वो है कि आपको सिट्स बाथ लेना है, यानी कि आपको गुनगुने पानी से अपने जो टाके हैं जो नीचे की साइड पे लगे हुए हैं उनको सेकना है। ये आपकी जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिए कि चाहे आप कोई टब ले लें या कुछ भी ले लें जिसमें आप आराम से बैठ पाएँ, और उसमें आप हल्का गुनगुना पानी रखें और डेली 2 से 3 बार अपने टाकों की सिकाई करें। ऐसा करने से जो आपके नीचे की टाके हैं उनकी हीलिंग बहुत बेटर होती है और बहुत जल्दी आपके जो टाके हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो अपना हाइजीन है या सफाई है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ऑलरेडी आपको नीचे की साइड पे स्टिचेस आए हुए हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है, और जब भी कहीं पर भी कोई कट होता है या कहीं पर भी कोई चोट लगी होती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसके लिए क्या है कि आप अपने कभी भी वॉशरूम जा रही हैं, नहा रही हैं, कुछ भी कर रही हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो अपने जो टाके वाला एरिया है नीचे की साइड पे उसको आप बिल्कुल ड्राई रखें, गीला ना होने दें, और उसको अच्छे से साफ करें। जैसे कि मेरे केस में मुझे डॉक्टर ने बीटाडीन वॉश बोला था, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि किस चीज़ से आपको साफ करना है, या कोई ऑइंटमेंट वो बताएंगे या कोई आपको लिक्विड बताएंगे जो डिसइंफेक्टेंट होगा, जो आपके टाकों पर इन्फेक्शन होने से रोकेगा। उससे आपको अपना जो इन्फेक्टेड एरिया जो हो सकता है, यानी कि जो टाकों की जो जगह है उस पे अच्छे से सफाई करनी है गुनगुने पानी के साथ। और इसके अलावा आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने जो सैनिटरी पैड्स हैं उनको थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज करें, जितना गीला जैसे होता जाता है, तो आप चाहे आपको 1 घंटे में बहुत ज़्यादा गीला हो जाए, 2 घंटे में आपको उसको सैनिटरी पैड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लड़कियां या महिलाएं ऐसा करती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद, और वो हमें पता ही है कि जो ब्लीडिंग होती है या जो फ्लो होता है ब्लड का वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर डिलीवरी। तो जो महिलाएं होती हैं वो थकी हुई होती हैं, तो उन्हें लगता है ठीक है कुछ टाइम बाद चेंज करूँगी, कुछ टाइम बाद चेंज करूँगी। इससे क्या होता है कि जो रैशेज होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर एक बार आपको रैशेज हो गए, ऑलरेडी आपको स्टिचेज आए हुए हैं, आपका एक बहुत छोटा बेबी है जो आपको सोने नहीं देता, रात भर जगता है, दिन में भी परेशान करता है, और साथ में अगर रैशेज हो जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो आप अपने पैड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और उनको रेगुलरली बदलें।
और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो आप अपने जो पार्टनर के साथ है, उसके साथ जो रिलेशनशिप है, वो अवॉइड करें बनाना जब तक आपके टाके ठीक से हील नहीं होते और आप कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो जाती। आप इस बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे और बेहतर तरीके से बता सकता है। तो आई होप ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, आप अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगी और बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगी, तो आई एम श्योर कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको आफ्टर जो नॉर्मल डिलीवरी जो प्रॉब्लम्स होती है, टाके टूटने की, रैशेज होने की, इन्फेक्शन होने की, या इस टाइप की और भी काफ़ी दिक्कतें होती है, वो नहीं होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर ज़रूर लाइक करें, इस पर ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है या जो जिसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।